जय गौ माता। तो मित्रों आज हम बनाएंगे गाय के गोबर से धूपकंडा। तो ये धूपकंडा बनाने के लिए हमने ताज़ा गोबर लिया है और ये गोबर 3 किलो गोबर हमने लिया है। उसके अंदर हम 3-4 धूप ऐड करेंगे। देखिए तो पहले तो हम गूगल उसके अंदर ऐड करेंगे। गूगल का धूप हम लेंगे 250 ग्राम हम गूगल का धूप उसके अंदर ऐड करेंगे। और आप कोई भी धूप ले सकते हो लेकिन हम गूगल का धूप ऐड करेंगे क्योंकि गूगल की स्माइल हमें बहुत पसंद आती है, इसीलिए हम उसके अंदर गूगल का धूप ऐड करेंगे। देखिए तो ये हमने 250 ग्राम गूगल लिया है और गूगल को हमने रात को भिगो दिया था गर्म पानी में ताकि वो पूरी तरह से गूगल पिघल जाए। इसीलिए देखिए तो उसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये गर्म है और गूगल में गूंद होता है। तो ये गर्म जो होता है तो गूंद जैसे प्लास्टिक को हम पिघलाते वैसे उसके अंदर होता है, तो ये हमारे हाथ में छोड़ जाएगा तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए हम उसमें पहले हाथ नहीं डालेंगे, उसको पूरी तरह से सरिया से पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए अब उसके अंदर हम कपूर लेंगे। तो ये कपूर है, ये कपूर हमने भीमसेनी कपूर लिया है। ये कपूर हम 50 ग्राम उसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए आप ज़्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो। देखिए तो ये नागरमत्था और कपूर कसरी का पाउडर है, ये दोनों हमने मिक्स कर दिया था। ये 100 ग्राम है, दोनों 100 ग्राम है, 50-50 ग्राम है, दोनों सरका भाग में है। ये उसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब उसको हम पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए और उसमें मेंदा लकड़ी कितनी लेनी है ये भी आपको हम बताएंगे। घी कितना लेना है ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए तो पूरी तरह से हम मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेंदा लकड़ी उसके अंदर डालनी है अभी तक। तो मेंदा लकड़ी हम उसके अंदर ऐड करेंगे, 10 या 20 ग्राम ऐड करेंगे। देखिए और ये घी लिया है हमने, तो घी हम 100 ग्राम ऐड करेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हो और घी आपको देसी गाय का ही लेना है। देखिए आपकी मर्ज़ी से आप घी डाल सकते हो लेकिन हमने उसके अंदर 100 ग्राम घी ऐड किया है। देखिए अब उसको हम पूरी तरह से मिक्स कर, देखिए तो ये पूरी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब वो कंडा बनाने के लिए हमें पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने 2 इंच का पाइप लिया है और 1/2 इंच से भी कम उसकी चौड़ाई है। देखिए ये भी आपको बाज़ार में से मिल जाएगा। देखिए तो ये बनाने के लिए हमें एक पल्ली की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो ऐसे हम उसको तो पहले तो हम निकाल लेंगे। देखिए पूरी तरह से ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई जात का परफ्यूम नहीं ऐड किया है, किया है तो सिर्फ गूगल किया है। देखिए तो एक हमें पल्ली की ज़रूरत पड़ेगी प्लास्टिक की जिसे बिछाने के लिए। देखिए देखिए ऐसे हमें गोबर को भरना है उसके अंदर। और ये कोई भी भाई या बहन कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई मेहनत है नहीं, है तो सिर्फ हाथ की मेहनत है, तो हम कोई भी बना सकते हैं। देखिए लेकिन हमें तो कहीं भाइयों की कमेंट आ रही थी कि आप एक कंडे पे वीडियो बनाओ, ये वाला कंडा गोबर का धूप कंडा का, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी है नहीं और आजकल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी बहुत है, लोग बहुत उसको पसंद करते हैं, तो हम उसी से हमारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए देखिए तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी है नहीं, आपको हमारा वीडियो पूरा देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं। और हम बनाते हैं वो अलग चीज़ होती है। देखिए पूरी तरह से ने तो मित्रों किसी भाई या बहन को चाहिए ये जो धूप का कंडा तो हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि हम बेचने के लिए भी बनाते हैं और आपको सिखाने के लिए भी बनाते हैं। किसी को सीखना है तो वो सीख सकते हैं, अगर वो सीख नहीं सकेंगे और किसी को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब दे देंगे। देखिए तो ये गोबर का कंडा पूरी तरह से नेचुरल है। तो मित्रों आपको हमारा एक खास निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब और लाइक करें और सपोर्ट करें।
ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो हम हमारे वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।